पर दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र आज सोमवार से शुरू हो गए हैं। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। नवरात्र पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रेवाड़ी के ऐतिहासिक सिद्धपीठ बारह हजारी, बारह पत्थर गुफा वाले मंदिर, धारूहेड़ा चुंगी स्थित मंदिर व संगी के बाद सहित अन्य मंदिरों को सजाया गया है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर माता के प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री दुर्गा मंदिर में आज पहले दिन कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है, जो लगातार 9 दिनों तक चलती रहेगी। रेवाड़ी की प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर को नवरात्र के उपलक्ष में भव्य ढंग से सजाया गया है। आपको बता दें कि रेवाड़ी की ऐतिहासिक श्री दुर्गा मंदिर, नई बस्ती स्थित प्राचीन माता मनसा देवी मंदिर, धारूहेड़ा चुंगी स्थित प्राचीन काली माता मंदिर सहित सभी मंदिरों में भक्तों की चहल पहल शुरू हो गई है। हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व होता है, जो कुल 4 नवरात्रों में चौत्र व शारदीय नवरात्र पर घर घर देवी माँ विराजमान होती हैं। इस बार शारदीय नवरात्र सोमवार के दिन शुरू होने के कारण माता का वाहन हाथी होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र पर देवी के अलग अलग वाहनों पर आना शुभ अशुभ दोनों तरह के फल के संकेत होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र पर माता का आगमन और विदाई दोनों ही हाथी की सवारी पर होगी। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये नव दुर्गाओं का पहला दुर्गा रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। नवरात्र 9 दिन चलेंगे तो कैसे क्या रहेगा? आज हमारी माता रानी के प्रथम शैलपुत्री माता पूजा प्रारंभ में पाठ चल रहा है, तो इसी प्रकार से 9 दिन क्रम से डेली पूजा चलती है। जो हमारे एक मुख्य यजमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, 9 दिन के 9 यजमान होते हैं। जो आज हमारे श्रीनंदिया गली वाले हैं जिनकी पूजा हो रही है, कल दूसरे रहेंगे। इसी प्रकार से 9 दिन हमारी माता रानी की दरबार पर ऐसी वहाँ चलती हैं और माता रानी के बड़े तादाद में भक्त आ रहे हैं। हमने महामाई की दरबार बहुत बढ़िया रूप से सजा रखा है, डेकोरेशन कर रखा है और बाहर दुकानें लगी हुई हैं। बड़े बढ़िया हर्षोल्लास के साथ लोग पूजा कर रहे हैं। आज घट स्थापना का प्रथम दिन है, शैलपुत्री माँ का दिन, जो भक्त लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और माता हमारी यही प्रार्थना है सबसे कि माता रानी सबकी कामनाएं पूर्ण करें, सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुख शांति बनी रहे, यही हमारी माता रानी की अरदास है। पूजा वगैरह का क्या टाइम टेबल रहेगा? पूजा का टाइम हमारे यहाँ 9:15 बजे का रखा है हम लोगों ने, जो पूजा प्रारंभ हो चुकी है और पूजा चल रही है। हमारे शास्त्री पूजा महाराज करा रहे हैं महामाई के दरबार पर पूजा माता रानी की है। और अभी घट स्थापना का ही मुहूर्त टाइम चल रहा है, जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं माता रानी का, टिकली वगैरह का अपना स्थापन करें, कलश स्थापन करें, माता रानी की टोपी लगाएं, घर पूजा पाठ करें, बाबू का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी तरह से 9 दिन माता रानी की सेवा करते रहें आप सभी लोग भक्त गढ़ माता रानी के। यही है, जय माता रानी। जी जय माता दी। नवरात्र की सबको शुभकामनाएं, नवरात्र हैं माता रानी के, सबको खुशहाल रहें। दुर्गा मंदिर बाराजारी में नवरात्रों की जो भीड़ जो रोना गया वो देखने लायक होती है, क्योंकि ऐसे भी कुछ माता रानी हैं जो यहाँ मनोकामना मांगते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। 9 दिन की यहाँ सेवा होगी, यहाँ पर सभी हमारे जो मेम्बर हैं मंदिर के सभी लगे हुए हैं। आज हमारा पहला नवरात्र है, तो हमारे शक्ति साथ आज अपनी फैमिली के साथ हम पूजा करेंगे। आज पहला नवरात्र बाकी सबका मेम्बर के साथ कुछ लोगों ने अपने नाम लिखवा रखे हैं, वो सब नंबर वाइज अपने 9 दिन तक हैं पूजा विधान करेंगे। बाकी सबके लिए अच्छा हो माता रानी मेहर करेगी। जय माता दी, सबको खुशियाँ बढ़ा। मंदिर कमेटी का मैं सदस्य हूँ, कृष्ण कुमार लखिया। आज का जो हमारा पहला नवरात्र है, ये माँ शैलपुत्री का नवरात्र है। अब दुर्गा मंदिर जो रेवाड़ी का विख्यात मंदिर है, यहाँ पर रेवाड़ी शहर के सभी आसपास के पूरे रेवाड़ी जिले के दूर दूर से लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा भवानी के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे सभी की आस्थाएँ पूरी होती है। दुर्गा मंदिर कमेटी के हमारे चेयरमैन संजय भद्रा जी भी हैं और कमेटी के सभी सदस्य भरपूर सहयोग भी करते हैं और 9 दिन तक पूरा सहयोग करते हैं। माँ दुर्गे भवानी की कृपा से यहाँ सभी के काम पूरे होते हैं।
हाँ, आज का पहला जो नवरात्र है उससे कलश की स्थापना होती है और दुर्गा मंदिर की ये विशेष जो पूजा होती है वो स्थापना पूजन से होती है। यहाँ दुर्गा मंदिर के अंदर एक त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा और दुर्गा मंदिर की ये विशेषता है, यहाँ सभी भक्तों को शांतिपूर्ण प्रसाद की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएँ पूरी होती है।